ओके ठीक है, बाय बाय। म्यूजिक लगाई है मेहंदी, फर्स्ट टाइम मैंने मेहंदी लगाई है। पहुंच गए। हां जी, हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ सेम टू यू। हां तो पापा जी का वेट हो रहा है भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने एक नए और एक प्यारे से ब्लॉग में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। सो दिस इज एजे ए वाई। तो फिलहाल का सीन ही है, अभी सुबह सुबह उठ चुके हैं और आज पंकज भी बया रखे हैं, तो अभी उनके साथ बैंक में जा रहा हूँ, कुछ काम है। तो चलिए अभी चलते हैं। HDFC बैंक में आए थे और पंकज भी जा का काम था यहाँ पे, तो अभी वापिस काम कम्प्लीट हो चुका है, तो अभी जा रहे हैं घर की तरफ वापिस। तो चलिए चलते हैं अभी। अभी इसके बाद एक SBI बैंक में और थोड़ा काम है, वो भी कंप्लीट करते हैं और फिर चलते हैं। और ये की पता नहीं इसके अंदर क्यों नहीं ऑन हो रही यार, अब वही चलो चलते हैं अब। तो अभी आ चुके हैं भाई SBI बैंक में और ये देख सकते हो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे भी, और रोड पे भी काफ़ी रश बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पे मैंने बाइक लगा दी, अभी चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या सीन है। भाई जब भी घर पे आ चुके हैं, तो अभी दादी जी को लेने के लिए पंकज भी स्पेशल आए हैं, तो अभी इनको इनका सामान रखवाते हैं और फिर ये वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि शायद दिवाली वहीं पे मनाएंगे दादी। तो अभी देखते हैं, तो लिए अभी दादी जी को गाड़ी की तरफ छोड़ के आते हैं और भैया जी ने स्टार्ट कर रखी है गाड़ी। ये लो मम्मी जी यहाँ पे अभी सामान पैक कर रही हैं, तो कुछ सामान है छोटा मोटा तो रखवा देते हैं और फिर देखते हैं। अभी ये लो ये दादी जी को बिठा दिया है, ये आगे की तरफ पंकज भी है। ओके ठीक है, बाय बाय। कर दो बंद। ठीक है भाई, ठीक है चलो। It's not with you. Why does it hit me the hardest when I'm off my game? When I'm feeling strange. हम भी खड़ी हैं यहाँ पे। हाँ जी, चलो। अकेले रह गए अब हम यहाँ पे सभी। अगली बार पापा जी, मम्मी और सिर्फ मैं हैं यहाँ पे। कैसा लगेगा मन? तो गाइस जब ये अंदर की तरफ आ चुके हैं और बाहर की तरफ इतनी गर्मी हो रखी है ना, आपको बता नहीं सकता, तो इसलिए मैंने अभी शर्ट उतार दिया, तो मैं इसमें सैंडो सैंडो में हूँ। और मम्मी जी यहाँ पे अभी फ्रूट्स अभी कट किए हैं मैंने, तो मम्मी जी भी खा लेंगी और मैं भी खा लूँगा, थोड़ी भूख सी लग रही थी। तो दो दिन से बारिश हो रही थी काफ़ी, तो इस वजह मैं वो लोग नहीं बना पाया था। तो आज कल बारिश हो रही थी, आज तगड़े वाली धूप निकल चुकी है, तो काफ़ी गर्मी लग रही है आज, तो इसलिए अभी मैंने आते सार शर्ट उतारी है। तो अभी थोड़ा पढ़ाई भी करनी है, अभी तक नहाया भी नहीं है, तो नहाना भी है, उसके बाद लंच करेंगे। तो अभी फ़िलहाल चार्जिंग कम है मेरे फ़ोन में, तो अभी चार्जिंग पे लगाता हूँ इसको और फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है, बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा दिया है और आज मैं नहाया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं लग रही थी। तो अभी जिम की तरफ जा रहे हैं, ये आ चुके हैं दोनों के दोनों, ये खड़े हैं। तो गाइस अभी घर पे आ चुका हूँ जिम वगैरह करके, तो काफ़ी मज़ा आया आज, बैक की एक्सरसाइज थी आज। तो अभी छोटे छोटे ये देखो पपी आ रखा है, ये वही पपी है जिसको मैंने बचाया था जब बारिश में, आपको दिखाई भी थे मैंने जब व्लॉगिंग मेरी बंद थी तब, काफ़ी कमज़ोर है, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ अभी। ये देखिए काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, ये खा रहा है ये, इसकी माता जी। ये देखिए एलर्जी वगैरह सी हो रही है इसको कुछ, पहले बहुत ही सही था, अभी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, हाइट ही बढ़ चुकी है ना इसकी थोड़ी इशू है। इसको कैसे देखते जा पीछे आ जाता है मेरे, वो दिखाई नहीं देता अभी आजकल। तो चलिए इसको खाना खाने देते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं, अभी शेक वगैरह पीता हूँ मैं अभी अपना। मम्मी
मम्मी जी यहाँ पे करनी है अभी तैयारियाँ खाने की, तो अभी खाना बनाएंगे हम, तो हमने शेक बनाता हूँ पहले। तो गाइस अभी शेक वगैरह तो पी लिया है और ये मैंने ऑर्डर रखा है यार, मच्छर लड़ रहे हैं काफ़ी, मच्छर ज़्यादा हो गया बारिश की वजह से। तो अभी ताऊ जी को रोटी दे के आया हूँ, तो दादी जी तो आपको पता है आज रोहतक गई हैं, तो अभी ताऊ जी को भी दे के आया हूँ रोटी पानी। तो फिलहाल यहाँ पे मम्मी जी को भी मेहंदी लगाई है, आपको दिखाता हूँ। अभी फिलहाल एक हाथ पे लगाई है मैंने। मम्मी जी को भाई थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, मशीन का काम किया है ना तो हो जाता है, आपको पता ही है फिर। तो ये देखिए अभी मम्मी जी को लगाई है मेहंदी, फर्स्ट टाइम मैंने मेहंदी लगाई है, वैसे मैंने कभी लगाई नहीं थी। तो वैसे हर बार तो दीदी लगाती थी, तो अब की बार दीदी नहीं है। ये देखिए मतलब फर्स्ट टाइम उसके हिसाब से तो ठीक ठाक ही है। ठीक है ना। तो अभी दूसरे हाथ से भी लगाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी खाना खाना है ना इसलिए। तो गाइज अभी पापा जी को लेके आ चुके थे स्टेशन से, पापा जी अभी रेस्ट कर रहे हैं, वरना खाना पीना करके अभी सोने की तैयारी है। तो मम्मी जी को अभी दूसरे हाथ भी मैंने मेहंदी लगा दी है, तो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइज कुछ इस तरह से लगाई है दोनों हाथों पे, आप देख सकते हो। तो मम्मी जी को काफी नींद आ रही है। तो चलिए अभी इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। गुड नाइट, बाय बाय। नेक्स्ट डे। राम राम जी। पहुंच गए और कैसे हो? अच्छे हो भाई, पहुंच गए आराम से? आराम से पहुंच गए थे साहब। ओके चलो बढ़िया है, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा हमारा। मारा किसे की बात आवाज आवे नहीं, खट खट की इज्जत नहीं हो है, जनो आ गई मम्मी है। अरे गिलो है दिल में, वो भाई मम्मी आ गई। तो हाँ जी अभी मम्मी जी रेडी हो चुकी हैं। हाँ जी हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ सेम टू यू। थैंक यू मम्मी। तो मम्मी जा रही है अभी, कथा सुन के आएंगी तो थैंक यू कहूंगी मैं। तो अभी ताऊ जी भी आने वाले हैं, जल्दी दे मम्मी को जो पैसे दे देते हैं। ये लो तो चलिए ले जाओ फोन ले जाओ। तो गाइस अभी रात का टाइम हो चुका है और मम्मी जी कथा सुन के आ गई थी। हाँ जी आज तो वर्ती हो, क्या बात है, क्या बात, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। आज तो पापा जी का वेट हो रहा है भाई। रोज ही निकलना आज के ज्यादा। अब ऐसे तो रोज ही करते हो लेकिन आज तो खास दिन है ना, इसलिए खास तो ले ओ भाई अभी सबके लिए। तो अभी मम्मी जी अभी चांद निकलेगा तो आपको दिखाऊंगा क्या सीन रहेगा, लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा। तो अगली बार कुछ चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा, अबकी बार अनुराग भैया भी नहीं है और मोनिका दीदी भी नहीं है, तो और अब और दादी जी भी चली गई हैं, अब कल चली गई थी आपको पता ही है। हाँ जी कैसा लग रहा है अगली बार हम तीन लोग यहाँ? ठीक है जो भी मन नहीं लग रहा अब हमारा, मन क्या करेगा, मन तो लगाना ही। तभी मैं जिम से आया था, वैसे तब बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, उसके बाद मम्मी जी आई थी, उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो अभी आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल शेक बनाया, अभी साहिल के साथ गया था पूजा करने के लिए, तो अभी पूजा करके अभी आया हूँ, तो अभी शेक पीते हैं। और मम्मी जी ने आज क्या क्या बना रखा है आपको दिखाते हैं अभी। हाँ जी क्या क्या बनाया है? हलवा पूरी और क्या सब्जी बना रखी है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई आज मम्मी जी ने, तो अभी मस्त इंजॉय करेंगे। तो फिलहाल अभी शेक पीता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। खाने वाले तीन चार हैं बस। चलो कोई बात नहीं, सबका नाम का मैं खा लूँगा सबके नाम का। ओके तो गाइज काफ़ी वेट करने के बाद मम्मी जी काफ़ी वेट कर रही थी, तो अभी चाँद निकल चुका, आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए चाँद निकल चुका है और मम्मी जी यहाँ पे पूजा करने के लिए तैयार है। कर भी ली। ओ नो पापा जी आ चुके हैं, आपको बताना आप मम्मी जी अपलू आओ ना बस एक बार और खिला दो। ओ नो लो भी।
मिस कर दिया तो मिस किया। चलिए अब चलते हैं चेक। अब की बार त्योहारों में मजा नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमारा अनुराग सर भी नहीं है और मोनिका दीदी भी नहीं है, इसलिए अब क्या मजा नहीं आ रहा, मिस कर रहे हैं उनको। और ये अब क्या मौका ही मिस कर दिया वीडियो बनाने का। तो चलिए अभी पापा जी बर्फी लेके आए थे तो अभी बर्फी खाते हैं हमारे सरदार जी। तो गाइस आई होप आप सभी को ब्लॉग काफी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, अगर चैनल बने तो सब्सक्राइब करो। तो फिलहाल अभी त्योहारों के दिन चले हुए हैं तो त्योहारों के दिन में ब्लॉग बनाने में काफी अलग ही मजा आता है, आप सभी को दिखाता हूँ। तो अब की बार भी काफी मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है, पिछली बार की तरह तो नहीं मजा आ रहा है इतना, लेकिन ये है कि अब की बार अभी दिवाली भी आने वाली है, आपको पूरे ब्लॉग दिखाएंगे मस्त। तो जयंती भी आने वाली है, विश्वकर्मा जयंती और छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, तो काफ़ी मजा आएगा। तो ऐसे इंजॉय करते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।